आज इत्र की रसोई में बन रहा है आलू और पनीर का अंडा करी, जिसको नाम दिया मैंने अंडा करी का। बीच बीच में इन्हें पलटते जाएंगे, जिससे कि हमारे जो अंडे हैं ना ये अच्छे से पकते जाएं। और ये देखिए यहाँ पर अंडे हमारे बिल्कुल भी फटे नहीं हैं, क्योंकि इनको हमने मैदे से ना कोट कर दिया था। इस साइड भी अच्छे से पका लेंगे और फिर इसको हम ग्रेवी के लिए तैयार करेंगे। जब तक मैं यहाँ पर लहसुन को कद्दूकस कर रही हूँ, ताकि हमारी ग्रेवी में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इससे तो ये हमारे अच्छे से पक गए, अब इनको हम साइड में निकाल देंगे। देखने में बिल्कुल अंडे जैसे ही लग रहे हैं ना ये, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमने आलू और पनीर का बनाकर तैयार किया है। जो बाकी के बचे हुए हैं उनको भी यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूंगी। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इत्र की रसोई में तो आज हम बना रहे हैं यहाँ पर आलू और पनीर का अंडा करी। ये जो मैंने अंडाकार शेप के बनाए हैं ना, ये आलू और पनीर से बनाए हैं। फिर इसकी बनाएंगे बढ़िया अच्छी सी स्पाइसी अपनी ग्रेवी। अब फ्लेम को थोड़ा सा सिम कर दूंगी और इनको अच्छे से पकने दूंगी। एक अभी आपको मैं कट करके भी दिखाती हूँ कि जो हमने यहाँ पर फ्राई करके रखे थे ना, वो हमारे देखने में बिल्कुल अंडे जैसे लग रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमने आर्टिफिशियल अंडा बनाया है। ये इसको कट करके देखते हैं, कोई सा भी कट कर लेंगे तो एकदम सॉफ्ट है ये, बहुत ज़्यादा ही गर्म है अभी। तो ये देखिए, ये देखने में बिल्कुल अंडे जैसा ही लग रहा है ना, लेकिन ये अंडा नहीं है। ये तो आप लोगों ने भी देखा है, सामने ही मैं बना रही हूँ कि ये पनीर और आलू का बना हुआ है। तो इनको भी अच्छे से पका लेते हैं, बस फिर उसके बाद अपनी ग्रेवी बनाते हैं। इसके साथ मैं बनाऊंगी राइस। राइस मैंने यहाँ पर बना के रखी है, बहुत ही बढ़िया यम्मी सब्जी बनने वाली है, तो सभी लोग कंटिन्यू जरूर देखिएगा।